All right, so hey guys, welcome to my channel Ahmed Khan Lifestyle. And so guys, आज की वीडियो में एक सिलुएट इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो आपने थंबनेल में देखा ही होगा. एंड हम यूज करने वाले हैं कपल फोटो. सो गाइज, ये काफी अमेजिंग होने वाली है फोटो. सो वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी एंड प्लीज एंड तक देखना एंड काफी अमेजिंग फोटो आपको देखने को मिलेगी. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी मोर अपडेट्स एंड लेटेस्ट जो भी वीडियोस हैं सो आपको मिलती रहे. ओके, सो हम चलते हैं फोटोशॉप के अंदर. ओके, एंड ये सारी पिक्स है जो हमारे इस फोटो में यूज होने वाली है. एंड ये सारी आपको फोटोज डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, सो आप वहाँ से इजीली वन क्लिक पे डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज करने वाला हमारी कपल फोटो, इस पे हम वर्क करने वाले हैं. ओके, सो थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा करने वाला हूँ क्योंकि ये काफी हाई डेफिनेशन है. ओके, एंड मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप भी कर लेता हूँ नीचे से. ओके, एंड थोड़ा सा यहाँ से भी. ओके, सो अब मैं सिलेक्शन करने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ. सो मैं सिंपली क्विक सिलेक्शन यूज करता हूँ सिलेक्शन करने के लिए. एंड मैं यहाँ से सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देता हूँ. एंड अभी हम हेयर सिलेक्शन भी कर लेंगे, जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियो में देखा होगा हेयर सिलेक्शन कैसे करते हैं. सो अगर किसी को नहीं पता तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकता है कि हेयर कैसे सिलेक्शन करते हैं. सो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. सो अभी हमने सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है. एंड सो मैंने इतना पार्ट अभी सिलेक्ट कर लिया बट आप ये सोचेंगे कि मैंने इतना पार्ट क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को इतना ही चाहिए. एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर लेता हूँ मैं. आप देख सकते हैं मेरे पास इतना पार्ट आ चुका है. एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो बैकग्राउंड है सो उस पर जो लॉक होता है उसको क्लिक करके मैं अभी हटा देता हूँ. एंड मेरे को ये बैकग्राउंड पीछे का जो आपको दिख रहा है सो वो नहीं चाहिए मेरे को, सो मैं उसको ही रिमूव करने वाला हूँ. एंड यहाँ तक बैकग्राउंड को मैं रिमूव कर देता हूँ. ओके, एंड आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है क्योंकि मैंने इसकी कॉपी ले ली थी. ये हमारी लेयर है जो हमें चाहिए एंड ये हमें नहीं चाहिए, सो मैं इसको अब रिमूव कर लेता हूँ इजीली. एंड यहाँ से सिलेक्शन ले लेते हैं एंड यहाँ से इतना पार्ट ले लेता हूँ मैं. एंड यहाँ से थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ. एंड अब मैं राइट साइड में आ जाता हूँ. राइट साइड में हमें ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ सिलेक्शन करके. एंड डिलीट कर देते हैं. एंड अब क्या करना है, आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था सो उसमें भी यहाँ पे शो कर रहा है. सो मैं इसको भी वही करने वाला हूँ सिलेक्शन करके. एंड ओके,
इसमें मैजिक टूल यूज कर लेते हैं हम, वन क्लिक पे ग्लिच, एंड यहाँ पे भी ग्लिच, एंड यहाँ पे हमें क्विक सिलेक्शन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई वन कलर नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल क्यू प्रेस कर लेता हूँ एंड देख लेते हैं सिलेक्शन हमें चाहिए सब वही इसमें सिलेक्ट हुआ है, एंड अगर जो नहीं चाहिए सब वो भी इसमें ऐड करनी हो गया। सो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, वाइट ले लेता हूँ एंड ब्लैक लेके यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें ये भी नहीं चाहिए। सो यहाँ तक हमें चाहिए काफी बस, एंड यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके एंड थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ। ओके सो मैं क्यू प्रेस कर देता हूँ, वापस ऐड क्लिक कर देता हूँ ये जो हमारा जो भी हमने सिलेक्शन किया था। ओके सो हमारा सिलेक्शन जो है वो हो चुका है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर जो वो प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं हुए। तो सो गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है जो हमारी लेयर है, एंड मैं मास्क यूज करने वाला हूँ मास्क, एंड राइट क्लिक करना है मास्क पे रिफाइन मास्क, एंड सिंपली यहाँ से मैं जो हेयर है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके एंड हमारे जो हेयर थे सो आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हेयर कैसे सिलेक्ट करते हैं। ओके सो गाइस वीडियो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो जल्दी से ख़त्म करते हैं। ओके सो अब इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, एंड ओके सो हम हमारी ये एक बैकग्राउंड बन चुका है जिस पर हम काम करने वाले हैं। ओके सो मैं अब लेकर आता हूँ जो हमारा बैकग्राउंड है, तो उसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा लार्ज, एंड इसको बैकग्राउंड बैक में कर देते हैं, थोड़ा सा टॉप पे कर लेता हूँ मैं। ओके सो यहाँ पे ये ठीक लग रहा है मेरे को, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है सो यहाँ पे वो मतलब ब्लैंक हो गया है। सो मैं इसी लेयर पे थोड़ा सा इसको खींच के यहाँ ट्रैक करके सो इसको यहाँ पे इसको फिल कर दे रहा हूँ इसी बैकग्राउंड को सिंपली। ओके कंट्रोल जी, देख सकते हैं ये फिल हो चुका है इसमें, एंड
अब हमें क्या करना है, जो हमारी लेयर है तो उस पर हमें राइट एडजस्टमेंट जो आइकन होता है उस पर क्लिक करना है एंड ऊपर देखना है आपको यहाँ पे लेवल्स लिखा है एंड जो वाइट वाला पार्ट है सो उसको आपको मेरे अकॉर्डिंग 10 कर देना है एंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो भी गायब हो चुका है। सो आपको यहाँ पे क्लिक ऑन मतलब जो लेयर है सो उसी पे इसका इफेक्ट हो एंड देख सकते हैं जो हमारा इफेक्ट था वो सिर्फ उसी लेयर पे शो कर रहा है एंड बाकी पे नहीं कर रहा है। एंड मैं यूज करने वाला हूँ फिर से कंट्रोल जे एंड इसी लेयर को मैं अब बैकग्राउंड में भी डाल देता हूँ एंड देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में भी डाल दिया मैंने एंड मास्क पे क्लिक करना है एंड ग्रेडियंट यूज करने वाला हूँ सिंगल कलर एंड इसकी जो स्टाइल है सो लाइनर ग्रेडियंट एंड ऊपर से मैं शिफ्ट प्रेस करके नीचे की ओर आ रहा हूँ। ओके सो थोड़ा सा ज्यादा हो गया सो ये ठीक लग रहा है एंड मैं इसको कर देता हूँ 75 या 90। ओके एंड हमारा ये जो बैकग्राउंड था सो ये हमने सेट कर दिया है एंड अब हमें क्या करना है तो मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके सो ये हाउस दिख रहा है आपको सो मैं इसको नहीं लेने वाला सो मैं सिलेक्शन करके इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड डिलीट एंड मैं इसको ऊपर बॉटम पे सेट कर लेता हूँ। ओके एंड मैं इसको नीचे कर देता हूँ जो हमारी लेयर है एंड यहीं पे मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ ब्लेंडिंग मोड में से एंड इसको मास्क यूज करके सो इसका आप देख सकते हैं पार्ट अभी यहाँ पे कट जो है फोटो का सो यहाँ पे शो कर रहा है सो इसको यहाँ से मर्ज कर देते हैं एंड इसको मैं लेवल यूज कर लेता हूँ इसकी जो हाईलाइटिंग है एंड फिल कर देता हूँ लेयर में क्योंकि इफेक्ट जो है सो इसी पर आए एंड इसी पर ना आए तो यहाँ से मैं 2 कर देता हूँ एंड यहाँ से इसको 75 एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो उसमें ब्लू कलर है बट ये जो बैकग्राउंड है सो वो इस कलर का नहीं है सो उसके लिए मैं फिर से एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ एंड व्यू सैचुरेशन एंड फिल इन लेयर एंड यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके सो ये ठीक लग रहा है सो -60 एंड ओके सो अब मैं यूज करने वाला हूँ जो हमारा जो हमारी लेयर है जो अपल है सो उसके नीचे एक मैं लेयर ले लेता हूँ न्यू लेयर एंड ब्रश टूल एंड फिल करना है मेरे को यहाँ से मैं कलर पिक कर लेता हूँ जो मैं कलर यूज करने वाला हूँ एंड थोड़ा सा येलोश टाइप का एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेता हूँ। ओके एंड यहीं पे मैं इसको फिल कर देता हूँ 1 क्लिक ये सॉफ्ट वाला निकला यहाँ पे मैं 1 क्लिक कर देता हूँ एंड देख सकते हैं ये हाईलाइट हो रहा है एंड इसको स्क्रीन कर देते हैं एंड इसके ऑपोजिट चीज 75 थोड़ा सा इसको और लार्ज कर देता हूँ। ओके सो आप देख सकते हैं जो हाईलाइटिंग थी वो उससे काफी ब्यूटीफुल लग रही फोटो एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ जो हमारा जो बैकग्राउंड था जो बैकग्राउंड में हमने हाईलाइटिंग की थी सो उसको मैं नीचे ले आता हूँ एंड उसको यहाँ पे फोटो के पास नीचे इसको रख देता हूँ सो फोटो के पास ये यहाँ पर सो हाँ ठीक है। ओके सो ये हमारा हो चुका है एंड अब हमें क्या करना है जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर ये काफ़ी लाइट है सो मैं इसको डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ एंड ग्रेडियंट एंड ब्लैक ये एंड ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ एंड इसकी मैं ऑपोजिटी कर देता हूँ 15 या 25। ओके देख सकते हैं अब ये जो हमारे स्टार्स जो हमने ऐड किए थे सो वो ये अब हाईलाइट हो रहे हैं काफ़ी अच्छे से एंड अब मैं यूज करने वाला हूँ हमारा मून एंड इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ।
करके एंड ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन कर देते हैं इसको भी। एयर जो है तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, काफी थोड़ा बड़ा लग रहा है। ओके एंड इसको मैं राइट कॉर्नर में सेट कर देता हूँ, इस वजह हमने सेट कर लिया है। एंड अब मैं यूज करने वाला हूँ जो हमारा ब्रोकन स्टार है, एक मैं इसको शो करने वाला हूँ। एंड इसको यहाँ से थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं एंड रोटेट राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल, एंड इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ एंड स्क्रीन कर देते हैं ब्लेंडिंग मोड में। एंड बट आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर जो है सो वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो उसके लिए पहले मैं इसको फोटो के पास लेता हूँ जो हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। एंड मैं इसको रिसाइज करके मास्क कर देता हूँ, मास्क एंड ब्रश टूल लेना है एंड आपको ब्लैक कलर यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट है सो हमें रिमूव करना है, सो हम ब्लैक से ही करेंगे। ओके सो यहाँ पे हमने इसको भी ऐड कर दिया है, बट ये भी जो इसका ब्लूइश कलर है सो वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, वहीं एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक करेंगे एंड हुई सैचुरेशन एंड फिल कर देंगे लेयर में एंड यहाँ से कलराइज एंड आप देख सकते हैं अब ये जो हमारा बैकग्राउंड है सो उसके अकॉर्डिंग इसमें कलर आ चुका है। एंड देख सकते हैं आप ये मैंने पहले करा एंड ये देख सकते हैं ब्लू है एंड अब ये जो बैकग्राउंड कलर है सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर रहा है। ओके सो ये हमारा भी ये भी सेट हो गया है एंड अब मैं यूज करने वाला हूँ हमारा जो ओके लेयर होती है ओके। एंड अगर इसको आपको नहीं पता ये कैसे बनाते हैं, ये क्रिएट कैसे करते हैं सो आप भी इसको बना सकते हैं। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है सो आप वो भी चेक कर लीजिए जाके एंड आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे क्रिएट करते हैं। सो मैं इसको यहाँ से कुछ ऐसे यूज करने वाला हूँ ओके एंड मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ एंड ओके एंड इसको भी मास्क कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये एरिया में नहीं चाहिए सो इसको भी मैं मास्क यूज कर लेता हूँ एंड ब्रश टूल से रिमूव कर लेते हैं ब्लैक कलर एंड ओके एंड मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ एंड इसको फिल्टर में थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं। थ्री फोर ओके एंड इसमें भी हम वही कलर करने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड में कलर है सो वही इसमें कलर यूज करना है। सो फिर से एडजस्टमेंट आइकन एंड व्यू सैचुरेशन एंड फिल इन लेयर एंड यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कलर जो भी यहाँ पे मैच करेगा। सो ये ठीक लग रहा है 15 एंड ओके एंड इसके ओपेसिटी में कर देता हूँ 5 या 10 75 ओके सो ये ठीक लग रहा है या 50 ही बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। सो ये भी हमने सेट कर लिया है ओके। सो गाइस हमारी फोटो ये प्रॉपरली बन चुकी है। सो अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे प्रॉपरली ब्लैक कलर शो कर रहा है जो कि हमारी कपल्स है या ये जो हमारे नीचे बैकग्राउंड है सो प्रॉपरली ब्लैक कलर शो कर रहा है। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा मैट टाइप का जो होता है मैट थोड़ा मतलब उसमें फिल्टर यूज करने वाले हैं जिससे कि ये प्रॉपरली एक फोटो मतलब मैच हो जाए या मिक्स हो जाए। सो अब मैं यूज करने वाला हूँ कर्व्स एंड ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कर्व्स लिखा है एडजस्टमेंट आइकन पे एंड यहाँ से आप देख सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट लिखा हुआ है। सो आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट एंड इनपुट जो होता है सो उसके यहाँ पे नंबर शो करने लगेंगे। सो आपको यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे भी 20 यूज करना है एंड देख सकते हैं आप इसमें थोड़ा मैट टाइप की ब्लैकनेस जो थी सो वो हाइड हो चुकी है एंड बैकग्राउंड जो है सो वो प्रॉपरली मैच करने लग गया है। सो गाइज यही थी आज की वीडियो में, हमारी फोटो डन हो चुकी है एंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग फोटो लग रही है।
तो गाइस आप भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करो, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं वहाँ पे हमेशा लाइव रहता हूँ, मैं कोई भी आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।